हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेनिकल्स फ्रेंड्स इनकी सुवयान इडली पोड़ी एप्पडी सेय्यरदुन्नु पाक्कलाम वांगा वीडियो कुल्ला पोलाम इंद इडली पोड़ी सेय्यरदुक्कु फर्स्ट ओरु पैन वंदु अडुप्पुल सूडु पण्णिक्कोंग ना इनके वो मेजरी कप अड़कल नम्बर टी कु टम्लर अभी वो 100 ml टम्लर वो टम्लर अल्वक ना उल्जेड़ इरपा वो ना वरपड़ा रोम लो फ्लेम वेटा नहीं वरकन इलाटना मेल करीज मारे वो वरपड़ इत मिधान टी वे ना वरते ना पन्म वरकन ना वासन वो अंदर ना वरते इडली पुड़ी से परपा नहीं वरको ना अडिकन पात्र ना वेटान पात्र अत्र सूडल वो परपा ना वरपड़ इडली पुड़े पाती मारे अलग और सीर वो उल्द कमिया पड़वा कड़ला पर्प अधिकांग ना वो इन स्टेल ना से पाको इप्पो उलुंदु नल्ला वरुपट्टुच्चु इप्पो नम्म वेर पात्रत्तुक्कु मात्तिक्कलाम इप्पो अदे टी टम्लर्लये अर कप अलवुक्कु कडलै पर्प्पु सेर्त्तिरुक्केन इदैयुम नल्ला मिधमान तैयल वच्चिट्टु नल्ला वरुत्तु एडुत्तुक्कोंग इप्पो कडलै पर्प्पु नल्ला पोन्निरमा वरुपट्टुच्चु इदैयुम नम्म एडुत्तुक्कलाम इप्पो अदे टी टम्लर्ले अर टम्लर अलावुक्कु एल एडुत्तुकोंग एंगिट्ट वेल्लै एल दान इरुक्कु उंगिट्ट करुप्पु एल इरुंदा कूड नींगा अदै एडुत्तुक्कलाम एंद एल वेणालुम यूस पण्णलाम इदु वंदु नल्ला पडपडन्नु वेडिक्कणुम अंद अलावुक्कु वरुत्तु एडुत्तुकोंग सीक्रमा वरुपट्टुरुम इप्पवे पोट्टवोने नल्ला अडिगनमान पात्रम इरुक्कुम इप्पवे वेडिक्क आरम्भिक्कुदु इदु लैट्टा निरम मारनोने नम्म एडुत्तुक्कलाम பாருங்க 1.5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு எனக்கு எள்ளு வறுபடுறதுக்கு இப்போ இதையும் நம்ம இந்த ப்ளேட்ல மாத்திக்கலாம் நம்ம கொஞ்சமா நல்லா நான் விட்டுக்கங்க ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நான் விடுறேன் இதல ஒரு 5 பல் தட்டுன பூண்டு சேர்த்துக்கங்க இந்த பூண்டு வந்து நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாறணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க பூண்டு பாருங்க நல்லா கோல்டன் பிரவுன் ஆயிருச்சு इतकू नालू वर मिग सेक करवेपिल सेक से ना मिधान ती वे ना वर्तक अर टी स्पून अल्वक मिग सेको अर टी स्पून सीरकम सेको मिग वो वरपटी स्टव ऑफ पड़ा स्टव आफ अर टी स्पून अल्वक परू सेको ये कटी पर ना तूल पर सेक इे पात्र और अर टी स्पून अल्वक कल उप सेको ना पत् सेकंड सूड़ पड़े अद परपू सेक उपलब्धों இப்போ இத நல்லா ஆற வச்சிட்டு நம்ம அரைச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா ஆறிச்சு இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல மாத்திக்கோங்க இத ரொம்ப நைஸா அரைக்காம கொஞ்சம் கொரகொரப்பா அரைச்சுக்கோங்க இட்லி பொடி அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அங்கங்க வாயில கடிபடுற மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்குங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இட்லி பொடி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க எள்ளு வந்து இன்ன கூட கொஞ்சம் அதிகமா சேர்த்துட்டீங்கனா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் फ्रेंड्स இந்த இட்லி பொடி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்க फ्रेंड्स அண்ட் ரிலேட்டிவ் கூட மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறவங்களா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் என்ற ஆப்ஷனை மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க थैंक यू